श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद को भी आज अंतिम विदाई दी जा रही है। हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद उन 5 शहीदों में शामिल हैं जो पुलवामा में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इस बीच जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने शहीद के परिजन को गले लगाकर ढांढस बंधाया। हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद को भी आज अंतिम विदाई दी जा रही है। कल पुलवामा में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद उन 5 शहीदों में शामिल हैं जो पुलवामा में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए। इस बीच जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने शहीद के परिजन को गले लगाकर ढांढस बंधाया। तो शहीद अब्दुल रशीद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल देश के लिए इन्होंने शहादत दी, देश के लिए मर मिट गए अब्दुल रशीद। परिवार वालों के लिए बेहद मुश्किल वक्त है और यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाता है कि जब वो वादा करके गए थे कि घर वापस लौटेंगे, ऐसे में जब वो लौटे तो पार्थिव शरीर उनका लौटा ताबूत में। रिफत हमारे से होगी, फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, बेहद मुश्किल वक्त है ये परिवार के लिए, शहीद अब्दुल रशीद के परिवार में कौन कौन लोग हैं? देखिए मैं बता दूं, इनका ताल्लुक जो है टंगार से है और ये हेड कांस्टेबल थे जेएंडके के पुलिस में। कल जब फायरिंग हुई, फ्रेश फायरिंग लास्ट पे दोपहर के बाद, तो उसमें एक तो डीआईजी जख्मी हो गए और साथ ही ब्रिगेडियर जख्मी हो गए और अब्दुल रशीद भी को भी गोलियां लगी और उनकी बाद में मौत हुई। फिलहाल लिया जाएगा अभी हेलीकॉप्टर के जरिए उनके घर, क्योंकि वो तंगड़ार में रहते हैं, कट ऑफ एरिया रहता है। जिससे कुपवारा का ये जो एरिया है काफी दूर दराज इलाका है, अक्सर कट ऑफ रहता है विंटर में। तो अभी उनको वहाँ पे जो है उनका जनाजा अदा किया जाएगा थोड़ी देर बाद, जब उनके जो पार्थिव शरीर जो है जब वहाँ पे पहुंच जाए। रिफत, नजर बना रखिए, अपडेट लेंगे, फिलहाल शुक्रिया।